सो पंजाब कला भवन विखे जिहड़ी फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ चंडीगढ़ वालों फोटोग्राफी एग्जीबिशन लगाई गई है उहदा अज तीजा दिन है। मेरे नाल प्रेजीडेंट खड़े ने दिनेश वर्मा, उन्हां नाल गल करदे आं। सर अज तीसरा डे है फोटोग्राफी एग्जीबिशन का, सो हुण तक किन्नी क मतलब रिस्पोंस किन्ना क मिलिया है इस एग्जीबिशन? बहुत अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है, सुबह तो नॉन स्टॉप विजिटर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सानू भी बड़ी इनकरेजमेंट मिल रही, सारे आर्टिस्ट बहुत खुश हैं कि इतना अच्छा रिस्पोंस आ रहा है। सब आते हैं, पूछते हैं, एप्रीशिएट करते हैं, तो दैट गिव्स लॉट ऑफ एनकरेजमेंट टू आर्टिस्ट। ओके, सो केड़ा नोटिस किया कि केड़ा एज ग्रुप जड़ा वो ज़्यादा विजिट कर रहा है, कोई बुजुर्ग या बच्चे या लेडीज या मेल्स केड़ा? वैसे तो सारे एज ग्रुप आ रहे हैं, बट मिडिल एज और एज थोड़े वो ज़्यादा आ रहे हैं, यंगस्टर्स घट आ रहे हैं, जो कि थोड़ा लग रहा है कि यंगस्टर्स नू आना चाहिए, उन्होंने लिए एनकरेजमेंट ज़्यादा अच्छी है, बट ਉਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੇ ਬੀ ਐਕਚੁਲੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕੁਛ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੰਗਸਟਰਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦਾ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਫੈਕਟਿੰਗ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ? ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਆਰਟ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਬੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल एवरीबडी, ईच एंड एवरीबडी कि आन आके देखन, दे शुड गेट इनकरेज्ड, और अपनी कुछ फोटोग्राफी करनी या कोई भी आर्ट दे विच जान, बट दे मस्ट डू समथिंग, दे मस्ट हैव सम हॉबी। मेरे नाल इस वक्त खड़े ने चंडीगढ़ के बटरफ्लाई मैन कुलभूषण कंवर, जिन्हों ने चंडीगढ़ दियाँ किनियाँ ही जिहड़ियाँ बटरफ्लाई दियाँ स्पीशीज सीगियाँ उन्होंने कवर किया। तो इस बार इस एग्जीबिशन के चंडीगढ़ सिटी का नज़ारा जिहड़ा वो लैके आए हैं, इन्हां नाल गल करदे आं। सो सर, इस बार पूरा चंडीगढ़ जिहड़ा तुसीं अपनी फोटोग्राफ्स राही पेश किया, पहलां तां इह थीम किवें आया एंड मतलब किवें सीगा इस नूं कवर करना? इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट थीम्स दे उत्ते लगी हैं इस बार पिक्चर्स, तो मैं सिलेक्ट किया चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल, तो वह मैं जी पिक्चर्स खिंची हुई हैं, लैंडस्केपिंग है, ब्यूटी है, ये जो गमलों फुल लगते हैं ना, ये नैचुरल जोड़े डॉक्टर रंधावा ने सिलेक्शन की है पेड़ों की, तो अपने अपने सीजन के आके बड़े डिफरेंट कलर के फुल निकलते हैं, तो वह कैप्चर किए हैं मैं। ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਆਖੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਬਿਊਟੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਇੰਗ ਫਲਾਵਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਫਲਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਬੱਸ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਿਕਚਰਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਣੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ
तो एक कहावत है ना, इक्विपमेंट विदाउट नॉलेज इज इक्वल टू जीरो। तो फिर वो जो विजन नहीं है, तुसी जिन्ना मर्जी महंगा इक्विपमेंट हो पर सीखा जा सकता इस तरह की सोसायटी जी। सा फोटोग्राफी सोसायटी ऑफ चंडीगढ़ है ना, ये जिन्ने मैंबरस हैं जो असी मीटिंग होंगी है अपना अपना काम दिखाने हैं, कोई किसी नाल लिहाज नहीं करता। कोई सीनियर हो, जूनियर हो, जो को मर्जी महंगा इक्विपमेंट हो, लेकिन जो एक एक पिक्चर की वह फिर वो जी क्रिटिसिजम होंगी है, बड़ी हैल्दी क्रिटिसिजम होंगी। क्रिटिसिजम फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिजम नहीं होंगी, फिर कोई माइंड भी नहीं करता, क्योंकि जब मैं क्रिटिसाइज करना तो मैं इनू ये भी दसागा भी ये चीज़ की जा सकती सी, यह एंगल हो सकता सीगा। सो इतने ये असं काफ़ी कुछ सीखे आके फोटोग्राफी सोसायटी के मानते हो कि एग्जीबिशन च आना आम लोगों का या फिर जेडे से फोटोग्राफी चूज़ करते हैं उन्होंने पैशन है या उन्हें तो भी इलावा जो आम लोग ने उन्हें भी आना क्यों जरूरी है इस एग्जीबिशन? जरूरी इस करके है ना, देखो जिस तरह आर्ट कल्चर ये सारा है, ये है तो अपना हेरीटेज ही है ना। ये तुम जाओगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ा देखोगे, अपना माइंड माइंड भी बनाओ। सपोज करो मैं टेलेंडर फोटोग्राफर हैं, मैं इस तरह दियाँ 10-12 एग्जीबिशन देखांगा तो मेरा विजन अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं लोग की खिंचते हैं, किस तरह खिंचते हैं, कुछ सानू चंगी भी लगदी हैं, कुछ नहीं भी लगदी हैं, लेकिन ये बनया हुआ ना भी किसी मुँह से तो कहते नहीं है, लेकिन सोसाइटी असं किसी बख्शते नहीं है। वो जे तुसी जे टीचर है बच्चे तरीके जो समझाएगा नहीं ना, वो उन्होंने ऐ लगेगा मेरे नाल तो ज़्यादा जिहड़ा इंटेलीजेंट को बच्चा ही नहीं है। ठीक है, तो ये जिहड़ियां जिस तरह कला भवन च क्राफ्ट मेला लगता है जी, कई कुछ इतने कल्चरल वेरियस टाइप ऑफ कल्चर, और वी आर वेरी लकी। चंडीगढ़ के लोग इन्ने खुश नसीब हैं कि इतने हरेक किस्म के जोड़े है ना एग्जीबिशन वगैरह लगदी हैं, तो वो कई कुछ एक दूजे का कल्चर नाल सांझ बनती है, एक दूजे का पता लगता है। तो एक मैं होर कहना चाहना, जेडे चंडीगढ़ के स्कूल है उत्थे मैं देखा है, जिस तरह मैं स्कूलों से जाना है इनवायरमेंट से लैक्चर दिना बटरफ्लाईज उत्ते माइग्रेटरी बर्ड्स उत्ते, तो चंडीगढ़ के जो स्कूल है उन्होंने बच्चे दे आर लकी इनफ, क्योंकि पिंडां दे विच मैं असी देखा है पिंडां विच तो कोई पहुँचता ही नहीं। हुण जे असी इन्ना कुछ मेहनत करके जो कुछ असी नॉलेज गेन की है तो उन्हें नाल लैके मरन का तो फायदा कोई नहीं। ठीक है ना, तो आई यूज टू गवर्नमेंट स्कूलों से मैं खास करके जाना है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो अफोर्ड कर लेंगे, वो तो ऑनरेरियम भी दे देंगे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों तक पहुँचता कोई नहीं। सो हुण मेरे नाल खड़े ने सुभाष सपरू, जिहड़े खुद एक फोटो आर्टिस्ट ने, ते उन्हां तों जानते हैं कि इस जिहड़ी एग्जीबिशन जिहड़ी लगी है इत्थे, तुसी खुद भी फोटो आर्टिस्ट हो, जदों इत्थे आके तुसी इन्नियां फोटोग्राफ्स देखते हो तां पहलां तां मतलब किस नज़रिए नाल देखते हो, की फील हुंदा? मैडम नज़रिया तो ये है कि मैं काफ़ी दिनों काफ़ी सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं खुद मेंबर था इनके साथ पहले, तो इसमें ऐसे जो ग्रुप शोज़ होते हैं उसमें जो बड़ी बात है वो सीखने को बहुत कुछ मिलता है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मैं खुद भी देखता हूँ कि यार इस आदमी ने इस पिक्चर में बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ये ऐसा करना चाहिए, कभी ये भी पिंच करता है यार ये नहीं करना चाहिए था। तो ये इन लोगों को जो ग्रुप शो करते हैं तो सबको मिलके डिस्कस करना चाहिए, पिक्चर हैंग हो रही है तो उसका रिव्यू करना चाहिए इनको कि काश मैं ऐसे करता ही नहीं करता, तो वो बड़ा ज़रूरी होता है ग्रुप शोज में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब पुराने दोस्त हैं अपने, बड़ा ही मतलब लास्ट टाइम से ग्रेजुअली दे आर इम्प्रूविंग। जिमें इस बार मतलब फ्री सीगे कोई भी थीम चूज करनू है ना, ते बहुत सारिया फोटोग्राफ्स उन्हां च बहुत सारिया स्टोरीज अच्छा ने, ये इनका बहुत अच्छा आइडिया, हर किसी को थोड़ा पोर्शन दिया है वॉल पे। एक तो आदमी की सेल्फ ईगो सेटिस्फाई होती है कि यार मैंने तो ये फोटो शो करनी थी, इन्होंने तो थीम रख दिया, वो थीम नहीं है, आपका अपना ही थीम है, आपने खुद ही शो करना है। मतलब जिदा पंजाबी च कहंदे आ ना, सवारी अपने समान दी आप जिम्मेवार है, इट इज़ लाइक दैट। फोटोग्राफ्स देखते हो कभी मतलब तुसी किसी ने गल की होवे कभी ये गल की है कि ये थोड़ा इदा हो सकता सी, ये इदा सही हो सकती सी? या अपना ओपिनियन है मैडम, ये अपना ओपिनियन है, ये लोग करते हैं डिस्कस, मैं भी करता हूँ उनके साथ कैसे होना चाहिए था।
एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एंटर करते हैं किसी एग्जीबिशन हॉल में या कहीं भी घर में भी दीवार पे पिक्चर लगी है तो सबसे पहले हमें उसका स्ट्रक्चर नज़र आती है कि है क्या, या दूर से जब आते हैं फिर नज़दीक आते हैं फिर कलर्स नज़र आते हैं ज़्यादा, ठीक है, फिर बाद में टेक्स्चर नज़र आता है। वो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस एंगल से देखा जाता है ये कि जिस आदमी ने ये शूट किया है वो सक्सेसफुल हुआ है उसमें कि नहीं हुआ, या ऐसे कर सकता तो करता तो ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता, अपना ओपिनियन होता है बेसिकली, मगर कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। फोटोग्राफरली एक बेस्ट फोटो चूज करना कितना डिफिकल्ट? बहुत डिफिकल्ट है। लोग कहते हैं कि बड़ा आसान है जी फोटो खींचना बहुत ही मुश्किल है, और चूज करना तो बहुत ही मुश्किल डिफिकल्ट है। अपनी वाइफ की खूबी जैसे निकालनी हो ना किसी आदमी मैरिड मैन से पूछो उतना आसान या मुश्किल है? देन इफ यू आस्क भाई वाइफ की तारीफ करो आदमी के लिए उतना ही मुश्किल ही आसान है। सो इस इनिशिएटिव बारे जेड़ा मतलब हर साल एग्जीबिशन होती है बहुत सारे जेड़े मेंबर्स उन्हें मौका मिलता है। बहुत अच्छा एनकरेजमेंट तो है जी, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ चंडीगढ़ वालों जिहड़ी ग्रुप मैंबर्स की फोटो एग्जीबिशन इत्थे लगाई गई है उत्थे उहदा अज दूजा दिन है ते बहुत सारे विजिटर्स इत्थे फोटोग्राफ्स देखण पहुँचे ने। एक मेरे नाल खड़े ने पहला उन्होंने गल करदे आ सर, सो अज सैकेंड डे है, सो तुसीं देखण आए हो फोटोज किवें दा लग रहा है, जो ये इनिशिएटिव जिहड़ा लिया जांदा है कि जिहड़े फोटोग्राफर्स ने उन्हां अपनी जिहड़ी आर्ट आ उहनूं पेश करन? मैडम बहुत अच्छा, और आई थिंक अज दे टाइम च इदा दा इनिशिएटिव इज़ द नीड ऑफ द आर, यू नो असी सारे अपने कम्मा कारां च इन्ने बिजी हैगे आ, लाइक एवरीबडी इज़ लाइक रनिंग आफ्टर स्लॉग्स एंड ऑल, तो ये जिहड़ी चीज़ हैगी है फोटोग्राफी हो गई और द वे दे बीन क्लिक लाइक यू नो एक डिफरेंट एंगल तो डिफरेंट फोकस तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लाइक यू नो इट सेल्फ इज़ अ मेडिटेशन, अपने आप च एक तरीके की मेडिटेशन हैगी है जो तुहानू डे टू डे रूटीन लाइफ तो एनजाइटीज़ तो लाइक यू नो इट वर्कस एज अ एंटी डिप्रेसेंट ऑलसो, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट वरायटी की तरीके दी फोटोग्राफ्स ने, और इस बारी मैं नोटिस कर रहा भी लास्ट ईयर नालों भी ज़्यादा फ्रेम्स इतने है यू नो, तो इट्स फीलिंग अमेजिंग लाइक यू नो। एक ये भी चीज़ होंगी ना कि फोटोग्राफर मतलब जिमें बहुत सारे इतने जड़े ने मैंबर्स और रिटायर्ड ने, सो उन्हों का पैशन है फोटोग्राफी है ना, एंड कहते हैं कि हूँ अजक हर किसी के हाथ से फोन है तो हर कोई उधर जागता कि जे मैं कुछ वधिया लग रहा है तो मैं उसकी फोटो खिंच ला, तुम कभी ट्राई किया है चूज़ करन दा? मेरा देखो मैडम फोन हैगा, असी सारे क्लिक्स करते हैं अपनी फैमिलीज नाल आउटिंग वेले वेकेशन वेले हॉलीडे ब्रेक्स वेले वी एवरीबडी क्लिक्स लाइक यू नो, बट एक जो प्रोफेशनल काम हैगा लाइक यू नो भी किस तरीके नाल किस एंगल नाल, मैं इत्थे सुन रहा सीगा सक्सेना साहब गल कर रहे सीगे भी कुछ कुछ पिक्चर्स ने जिन्हां वास्ते ही वेटेड फॉर छे छे दिन हफ्ता हफ्ता दस दस दिन जस्ट टू क्लिक दो पिक्चर्स एक पर्टिकुलर टाइम एंगल दे अकॉर्डिंगली, तो ऑफकोर्स ये सानू भी इंस्पायर करता है तो जरूर सानू फॉलो करना चाहिए। इट्स ग्रेट फोटोग्राफ आ जिहड़ी असीं देख रहे हैं मतलब इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट है ना, सो ये जो तुम देखते हो इतने आके सो वो किमें फील हों कि वरायटी ऑफ जो फोटोज ने इतने देख तुम जे अपने आप ये फोटोग्राफ देखोगे तो इट इट सेल्फ लाइक यू नो डिपिक्स लॉट ऑफ थिंग्स भी लाइक यू नो एक देर इज लेडी जो सिकलूडिड हैगी है शी इज़ बीन ट्रैप्ड तो यू नो भी एक केज विच हैगी है लाइक यू नो तो एवरी फोटोग्राफ इट सेल्फ इज़ लाइक यू नो इट्स अ स्टोरी इन इट सेल्फ, अपने आप च एक स्टोरी हैगी है ऑफ कोर्स इट गिव्स अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, मैं भी अपनी लाइफ कोशिश करांगा भी कुछ इदां दा फॉलो कर सकिए इन फ्यूचर। आर्टिस्ट नू प्लेटफॉर्म कितना जरूरी है? ऑफ कोर्स आर्टिस्ट वास्ते प्लेटफॉर्म इज लाइक उहदे वास्ते तो जीवनी हैगी है, एप्रिशिएशन इज लाइक संजीवनी उहदे वास्ते यू नो, ते इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म ते सानू फॉलो करना चाहिए। सो
जिथे आम लोग भी विजिट कर रहे हैं, जो खुद एक फोटो आर्टिस्ट ने वह भी इस फोटो एग्जीबिशन विजिट कर रहे हैं। इस वक्त मेरे नाल ने हेमंत चौहान जो कि खुद फोटोग्राफर ने। सो सर, मैं थोनू देखा कि तुसी फोटोग्राफ्स दी थे वो फोटो खींच रहे थे, मतलब क्या इस एग्जीबिशन जाके ये जो इनिशिएटिव लिया जाता है फोटोग्राफिक सोसाइटी वालों, पहला तो ये बारे की कहो। चंडीगढ़ च दो तीन फोटोग्राफिक सोसाइटियां जड़ियां आर्ट फोटोग्राफी नू प्रमोट करन लई काम कर रही, उन्हां विच्चों ये PS सोसाइटी जड़ी है वो भी एक हैगी, काफ़ी पुरानी है। मैं भी काफ़ी टाइम यदा फाउंडर मैंबर रहा हाँ, हूँ साड़ी होर दूसरी सोसाइटी है। तो जो इस बार मैं एग्जीबिशन च फोटो देखी पहले नालों काफ़ी इंप्रूवमेंट है, पोर्टफोलियो टाइप दी फोटो ने ते डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट दियाँ। इस तो जिहड़े नौजवान फोटोग्राफी च इंटरस्ट रखते हैं उन्होंने यह जी एग्जीबिशन जरूर देखना चाहिए, ताकि जो उन्हों का अगर हॉबी है पैशन है फोटोग्राफी बनी तो उन्होंने जरूर उस बढ़ोतरी करने यह जी एग्जीबिशन जरूर विजिट करने चाहिए। धन्यवाद। एक होर चीज़ की थोनू की लगता है कि एक जो आप प्लेटफॉर्म जो सू मिल जाता है, जिस तरह तुम हमने कहा कि नौजवानों भी आना चाहिए है ना, भी जो जिस तरह सोसाइटीज़ जड़िया बनिया ने जो प्लेटफॉर्म देनगियाँ तो जेडे मतलब जिन्हों का पैशन भी है फोटोग्राफी तो वह भी अगे आने उन्होंने भी ईजी होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, सोसाइटी फॉर्म कर मकसद ये हों कि कुछ वोजे लोग भी उस नाल जुड़न जे अभी फोटोग्राफी नहीं आए हैं ज थोड़ा शौक रखते हैं। बहुत सारे साडे मैंबर इहोजे ने जिहड़े जदों सोसाइटी ज्वाइन करते हैं तो वह दसदे असी 5-7-10 साल तो फोटोग्राफी कर रहे पर सानू रस्ता नहीं मिलिया भी किदां दी फोटोग्राफी करनी है, किदां उन्हों नू डिवेलप करना है, टेक्नीक की अडोप्ट करनी है, फाइनली प्रिंट किस तरह बनाने हैं। तो इस चाह के उन्हां दी फोटोग्राफी बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है। असी ट्राई सिटी देखे बहुत सारे फोटोग्राफर जो अज बहुत मुकाम तक पहुँच गया, ईवन के साडे तो भी अगे निकल गए, वो कहते खुद कहते हैं कि असी ये सोसाइटी ज्वाइन करी है उस तो बाद सानू बहुत फायदा होया। एग्जीबिशन विजिट कर रहे हो अज तुम सारिया फोटोग्राफ्स देख रहे हो, पहले तो फोटोग्राफ्स में देख के किमें लग रहा है, जो इनिशिएटिव लिया जाता है इस बारे की द इनिशिएटिव बारे जो गल करिए, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव ते गिव्स एन ऑपरचुनिटी फॉर एवरीवन हू यू नो इज इन फोटोग्राफी टू शोकेस देयर आर्ट विद मोर पीपल ते इट्स अ रियली गुड फीलिंग टू कम एंड सी एवरीवनस वर्क। हाँ जी, थोनों की लगता है कि सिर्फ फोटोग्राफर्स नहीं क्योंकि बाकी भी जो नॉन फोटोग्राफर्स नहीं भी ने उन्होंने भी इस एग्जीबिशन क्यों विजिट करना चाहिए? सी इन साडे जिहड़ा डे टू डे लाइफ होंदा है उहदे च इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सी थिंग्स विच इंस्पायर यू एंड यू नो अ फोटोग्राफर कैप्चर्स इमेजेस थ्रू हिज परस्पेक्टिव, जिहड़ा सारिआं दा मतलब हर एक बंदे दा डिफरेंट परस्पेक्टिव होंदा है, सो it comes and adds more value to your life and gives you a little bit of perspective and understanding and opens your outlook, so it's very important. मेरे नाल इस वक्त एक होर विजिटर खड़े ने जिन्हों का नाम है सुमन, तो वो स्पैशली इन्ह फोटोग्राफ्स के कोल खड़े ने। मैम की रीज़न है इतने इस फोटोग्राफ्स ने इन्हें कि जो ये सारे फोटोग्राफ्स है यहाँ पे जो भी ये डांस है ये मैंने खुद टैगोर थिएटर में ये वगैरह यह देखा था, मैं वहाँ पे थी, इसको ज्वाइन किया हुआ था तो सारे मेरे को, और क्योंकि खुद भी मैं उनके साथ ये कथक सीख रही हूँ मैं। हाँ जी, तो मेरा ये शौक भी है, ये पैशन भी है अपना ये। ये जिहड़ियां फोटोग्राफ्स ने ये तो एक तो जिहड़ियां खिंचियां ने वह भी आर्ट है, तो जिन्होंने खिंचियां वह भी एक आर्ट है, है ना, तो ये आर्ट के आर्ट जिहड़ी दिखाई गई है ये बारे। हाँ जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही
बहुत ही अच्छी, दिल को छू लेने वाली। हाँ जी, सब तो ज़्यादा इन्होंने अट्रैक्ट किया था क्योंकि तुसी डांस कथक दे हो। एक मुझे वो भी तीन गाड़ियों वाली है ना, वो भी मुझे बहुत ही पसंद आई क्योंकि मेरा बेटा भी ऐसे शौक रखता है तो उसकी गाड़ी, तो इसलिए मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी वो गाड़ी। और सेम तो ये है ही मेरा ये पैशन, तो फोटोग्राफी करने बारे कभी सोचा कि मैं वो भी करूँ? जो इनको देख देख के हम भी सीख जाएंगे फिर बमरा साहब के। नहीं बहुत अच्छा, जब तो कोई मतलब वधिया जा देख दे, हाँ। नज़ारा देख दे फिर जी करता है कि कर दे फोटो। हाँ वो तो होता ही है, वो तो हर किसी की होती है कि अच्छा है आप उसको क्लिक करो।